बेरोजगारी की हताशा ने छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। सरकार के खिलाफ युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है, लिहाजा राजनीतिक दल भी हरकत में आ गए हैं। बिहार में बंद के दौरान जगह जगह सड़कें जाम करने और प्रदर्शन के मंजर दिखाई दिए। पटना के डाक बंगले चौराहे पर तो पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पुलिस प्रशासन ने भी टर्मिनल और भिकना पहाड़ी में हुए बवाल को ध्यान में रखते हुए बंद को असफल कराने की पूरी प्लानिंग की। बंद को देखते हुए पटना समेत जिले में करीब 2,500 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। शहर के हर चौक चौराहों, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भवनों से लेकर स्मारकों के आसपास पुलिस तैनात की गई थी। यही नहीं, कोचिंग चलाने वाले खान सर ने छात्रों से प्रदर्शन में हिस्सा न लेने की अपील भी की थी। हम बता रहे हैं कि इसमें पीएमओ ने इस बात को माना है, न कि आरआरबी। आरआरबी अगर बोलती तो हम भी कहते कि हाँ, आप 100% भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी बंद और नहीं, आप आराम से पढ़ाई कीजिए। हालांकि पहले खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की खबरें आ रही थी, जिससे छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। जो सरकार ने कहा कि रिजल्ट हम वापस देंगे, 19 में विज्ञापन निकला था, 19 में परीक्षा हुआ था, 3 साल लग गए इनको रिजल्ट देने में। अब जो कैंसिल किए हैं तो इसका रिजल्ट कब देंगी? ये सरकार जब तक घोषणा नहीं करती है तब तक छात्र सड़कों पर हैं। भारत सरकार और बिहार सरकार का जो छात्रों के प्रति रवैया है, छात्रों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, रोजगार के लिए अगर छोटा सा आंदोलन भी किया जा रहा है उसको भी दबाया जा रहा है, लाठी डंडों से मारा जा रहा है। एनटीपीसी के एग्जाम में जिस तरह से धांधली हुआ है और बोला गया था कि 20 गुना जो वैकेंसी है उसका 20 गुना हम लोग रिजल्ट देंगे, उसमें कहीं ना कहीं मात्र 11 गुना रिजल्ट दिया गया है। उसी को लेकर के जो आक्रोश है छात्रों का, उसी को व्यक्त करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल सड़कों पर उतरा। दरभंगा, भागलपुर और सुपौल में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक कर अपना विरोध जताया। दरभंगा में तो संपर्क क्रांति ट्रेन को रोक दिया गया। वहीं वैशाली के हाजीपुर में आरजेडी ने पूरी तरह बंद रखा। सड़कों पर टायर जलाकर यातायात अवरुद्ध कर दिया गया तो महात्मा गांधी सेतु पर जाम लगा दिया गया, जिससे हाजीपुर से मुजफ्फरपुर, छपरा, समस्तीपुर समेत कई रास्तों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। तो जहानाबाद में सड़क पर क्रेन रखकर रास्ता रोका गया। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू और बीजेपी दोनों बैकफुट पर आ गई। जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करने की अपील की है। मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई होती, और ये कोई अपराधी नहीं है। ये सारे छात्र पढ़ने वाले छात्र हैं जो गलतफहमी में या रेलवे बोर्ड के स्पष्टीकरण नहीं आने के कारण लोग सड़कों पर आ गए, और जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है तो ऐसे छात्रों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुशील मोदी सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं और छात्रों की मांग केंद्र से मनवाने का सहरा अपने सिर बांध रहे हैं। रेलवे के भर्ती परीक्षा नतीजों में धांधली को लेकर 7 राजनीतिक दलों ने बंद का समर्थन किया था। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम ने संयुक्त बयान जारी कर छात्रों पर लाठीचार्ज और मुकदमा दायर करने के लिए बिहार सरकार की आलोचना की है। जन अधिकार छात्र परिषद, युवा परिषद और अन्य दल के भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले जो छात्र हैं वो सड़कों पर रहेंगे अपनी आवाज उठाने। बिहार बंद का निर्णय लिया गया है, छात्रों के अधिकार और उसकी आजादी। हम सभी बिहार के लोग और यहाँ जो हम बैठे हैं महागठबंधन के लोग, इस पूरे बंदी का हम समर्थन करते हैं, और इस बंदी में यदि कोई घटनाएं दुर्घटनाएं हुई तो सरकार का जिम्मेवारी होगा कि बिहार में शांति आगे बनी रहे, उसके लिए प्रयास करे। बहरहाल रेलवे भर्ती परीक्षा को लेकर युवा आक्रोश बढ़ती बेरोजगारी के विस्फोटक नतीजों की ओर संकेत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।